हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निशा दुबे एस आर मैथ्स टीचर इन कृष्णा पब्लिक स्कूल. नाउ टुडे आई हैव गिव इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. ओके बेटा, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी नए चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का. फर्स्टली वी स्टडी हेयर सम टर्म्स, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम. तो फर्स्ट टर्म इज पॉइंट. पहली टर्म क्या है बेटा? पॉइंट. अब पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट विच हैज़ नो डायमेंशन. बेटा पॉइंट क्या होता है? एक डॉट लाइक होता है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती. इसे क्या बोलते स्टूडेंट? ये फिक्स होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. ओके, ये होता है हमारा पॉइंट. इसे क्या बोलते स्टूडेंट? नाउ वी स्टडी हेयर नेक्स्ट अप लाइन. अब बेटा हम यहाँ पे लाइन पढ़ने वाले. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. लाइन क्या होता है बेटा? एक स्ट्रेट पाथ होता है विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. इसे मतलब मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ दोनों डायरेक्शन में. देखो, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकती हूँ, इस डायरेक्शन में. इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते. और ये क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ होता है, मतलब सीधे लाइन की तरह होता है, सीधा होता है. उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट पाथ. और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. इसे क्यों अंडरस्टूड? सबको क्लियर हुआ बेटा? हमने यहाँ पे दो टर्म्स पढ़ी. एक तो बेटा पॉइंट पढ़ा, सेकेंड क्या पढ़ी बेटा हमने? लाइन पढ़ी. इसे क्यों अंडरस्टूड? अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट. क्या पढ़ेंगे बेटा? लाइन्स. लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ. लाइन सेगमेंट क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. मीन्स इनिशियल भी होता है और फाइनल भी होता है. उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. बेटा लाइन में और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है कि लाइन भी एक स्ट्रेट पाथ होता है पर उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते. ऑनलाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं. इसे क्यों बोलते स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? नाउ वी स्टडी नेक्स्ट टर्म है. अब बेटा हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे रे. बेटा रे क्या होती है? सेम लाइन ऑनलाइन सेगमेंट की तरह होती है. पर क्या डिफरेंस है? लाइन में ये डिफरेंस था कि उसके क्या होते थे बेटा? कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते थे. लाइन सेगमेंट में क्या होते थे? उसके एंड पॉइंट्स होते हैं. अब यहाँ पे रे में भी क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है. इसे क्यों स्टूडेंट? है ये भी स्ट्रेट पाथ ही. रे इज अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड, और दूसरी साइड से क्या होता है? एंडलेस होता है. जैसे बेटा यहाँ पे ये क्या है? इसका एंड पॉइंट है. और ये वाला जो बेटा साइड है, ये इसकी नॉन एंडलेस पॉइंट है. कि इसका मतलब इसे इस डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कितना भी बढ़ा सकते हैं. ओके बेटा, सबको क्लियर हुआ? अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म स्टडी करने वाले हैं. वो क्या है? हमारी एंगल्स. क्या है बेटा? वो एंगल्स है. इज इक्वल स्ट्रेंट द कॉर्नर मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस और लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एंगल्स. बेटा जो यहाँ पर क्या होता है, एंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है? टू लाइन्स की या लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से. जैसे ये यहाँ पे कट लग गया बेटा, इंटरसेक्शन से जो कॉर्नर फॉर्म होता है ना, उसे हम बोलते हैं, ये जैसे यहाँ पे ये कॉर्नर फॉर्म हुआ, इसे क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं. इसे क्या बोलते स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? ओके बेटा, अब बेटा मैं आपको फिगर की हेल्प से एंगल को एक्सप्लेन करूँगी. इसे क्या बोलते स्टूडेंट? अब देखो बेटा, यहाँ पे मुझे दे रखा है जैसे ए बी सी, ये फिगर है. जो इसमें जो ये बी कॉर्नर है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल की फॉर्मेशन हो रही है. क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे एंगल आ रहा है. इज ए क्यू स्टूडेंट? तो इस एंगल का नेम क्या होगा बेटा? एंगल ए बी सी. जो बेटा जहाँ पे एंगल की फॉर्मेशन होती है, उस हम कहा लेते हैं? सेंटर में लेते हैं. मीन्स बीचों बीच लेते हैं. जैसे यहाँ पे बी हमने कहा लिया, सेंटर में लिया. नाउ वी सी अनदर फिगर. अब बेटा हम अनदर फिगर देखेंगे. इसमें देखो इंटरसेक्शन दिखा रखा है दो लाइन का. इज ए क्यू स्टूडेंट? अब देखो यहाँ पे जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, वो फोर एंगल की फॉर्मेशन हो रही है. देखो यहाँ पे जो ये सेंटर में, इस सेंटर पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? ओ सपोज कर लेंगे. क्या सपोज कर लेंगे बेटा? ओ सपोज कर लेंगे. अब हम बेटा यहाँ पे नेमिंग करेंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो बेटा एंगल क्या बनेगा हमारा? एक्स ओ वाई. एक एंगल क्या बन गया हमारा? एक्स ओ वाई. क्योंकि यहाँ पे एंगल कहाँ बन रहा है हमारा? ओ पे बन रहा है. तो ये क्या हो गया? एक्स ओ वाई. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या बनेगा? जेड ओ डब्ल्यू.
ये दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड ओ डब्ल्यू। ये क्या होता है बेटा, एंगल का सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल है। फिर बेटा नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारा, एंगल वाई ओ डब्ल्यू। क्या बन रहा है बेटा, वाई ओ डब्ल्यू एंड एंगल एक्स ओ जेड आर एंगल्स इन द सेकेंड फिगर। बेटा जो सेकेंड फिगर है उसमें ये फोर एंगल की फॉर्मेशन हो रखी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे एंगल से रिलेटेड। इज इट क्लियर स्टूडेंट, क्या करेंगे बेटा, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स आते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा इसमें दो एंगलों का सम क्या होना चाहिए हमारा, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब बेटा मैं आपको फिगर की हेल्प से ये एक्सप्लेन करूँगी। इज़ इट क्लियर द स्टूडेंट, जैसे बेटा सी है, जैसे यहाँ पे मुझे एक एंगल दे रखा है बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी 40। अब बेटा जब मैं 40 में प्लस करूँगी 50 तो मेरा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि ये दोनों क्या है बेटा, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सी है, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक एंगल क्या दे रखा है 65, सेकेंड एंगल क्या दे रखा है 25। अब मैं 65 में 25 को ऐड करूँगी तो बेटा 5 में 5 प्लस करा 10, 1 कैरी, 6 में 2 प्लस करा 8, 8 में 1 प्लस करा 9। इज अ क्यूर स्टूडेंट, तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आया बेटा, 90 डिग्री। मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हम इन्हें कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इज अ क्यूर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है बेटा हमारा सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और यू कैन से दैट टू एंगल्स विच मेक अप अ राइट एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो आप ये भी कह सकते हो दो एंगल मिलकर क्या बनाए, राइट एंगल की फॉर्मेशन करें, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं। नाउ वी स्टडी है नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, वो क्या है बेटा, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर सेट टू बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा अगर दो एंगलों का सम हमारा 180 डिग्री हो जाता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर। अगर वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट है एक दूसरे के। इज इट क्लियर स्टूडेंट, सबको क्लियर हुआ बेटा। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है सब। इज इट क्लियर स्टूडेंट, आई ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर। फिगर की हेल्प से बेटा मैं आपको क्लियर करूँगा। जैसे बेटा देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक एंगल कितना है 120 डिग्री का, सेकेंड एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री का, तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री बेटा, 0 में 0 प्लस करा 0 आ गया, 2 में 6 प्लस करा 8 आ गया, 1 एज इट इज़। इज इट क्लियर स्टूडेंट, तो बेटा जो मेरा सम आया वो कितना है 180 डिग्री। मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है बेटा, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे, वो होते हैं एडजस्टेंट एंगल। कैसे एंगल होते हैं बेटा, एडजस्टेंट एंगल, इट इज द पेयर ऑफ टू एंगल्स विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एडजस्टेंट एंगल्स। उन्हें क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका क्या होता है बेटा, वर्टेक्स जो कॉर्नर होता है वो कॉमन होता है। ऐसे जैसे यहाँ पे ये दो एंगल है, ये दोनों क्या हो गए, एडजस्टेंट एंगल हो गए। जो ये कॉर्नर है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट, बेटा सबको क्लियर हुआ कि एडजस्टेंट एंगल किस टाइप के एंगल्स होते हैं। अ कॉमन आर्म्स, उनकी आर्म्स भी क्या होती है, एक कॉमन आर्म होती है, मतलब एक साइड भी, जैसे ये है ये कॉमन आर्म ही तो है बेटा, कि ये इस एंगल में भी इंक्लूड होगी और इस एंगल में भी। जैसे मैंने इसे नाम दिया ए बी सी और ये डी, तो यहाँ पे जो बी डी है वो दोनों में ही, दोनों एंगलों में इंक्लूड होगी। जैसे फर्स्ट वाले एंगल का नाम क्या होगा, ए बी डी, सेकेंड वाले का क्या होगा बेटा, डी एंगल डी बी सी। मीन्स ये जो आर्म है वो दोनों एंगलों में आई और ये वर्टेक्स भी दोनों एंगल में आया। इज इट क्लियर स्टूडेंट, अ नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो आइदर साइड होती है कॉमन आर्म की।
इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? आप बेटा, मैं आपको क्लियर करूंगी जैसे यहाँ पर शो कर रखे हैं मेरे दो फिगर्स. ओके, देखो बेटा, फर्स्ट फिगर देखो, यहाँ पे मुझे क्या देखा है एक्स, और यहाँ पे क्या रखा है मुझे वाई. अब देखो इनकी आर्म कॉमन नहीं है तो ये नॉन एडजस्टेंट हो गए. अब देखो सेकंड फिगर देखो, यहाँ पे देखो वर्टेक्स भी कॉमन है और ये साइड भी कॉमन है, तो ये क्या हो गए? एडजस्टेड एंगल्स हो गए. इज ए क्यों? नाउ वी आर स्टडी हेयर नेक्स्ट टर्म पेयर्स ऑफ लाइन्स. अब बेटा यहाँ पे हम लाइन्स के पेयर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन. इज ए क्यों स्टूडेंट? इफ टू लाइन्स टच ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर इज अ पॉइंट इन कॉमन देन दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. बेटा अगर उनमें एक पॉइंट कॉमन हो जाता है तो वो ये जिस टाइप की लाइन्स क्या कहलाती है, जैसे एक्स शेप, क्या कहलाती है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन. दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो ये कॉमन पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इज ए क्यों स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? सी है, जैसे यहाँ पे बेटा मैंने दो लाइन ली है एम एंड एल. अब इन दोनों को क्या है बेटा, ये जो पॉइंट सी है ये क्या है? इसका कॉमन पॉइंट है. तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट. हेयर लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी. ये दोनों बेटा एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट सी पर. इज ए क्यों स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ पे बेटा हम पढ़ेंगे, बेटा यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की लाइन्स पढ़ेंगे, वो कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट. बेटा एक लाइन दो या दो से अधिक पार्ट पे इंटरसेक्ट करती है देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. इस टाइप की लाइन्स क्या कहलाती है हमारी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. इज ए क्यों स्टूडेंट? अब बेटा फिगर की हेल्प से मैं आपको क्लियर करूंगी बेटा कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है. सी है बेटा, जैसे यहाँ पे बेटा ये लाइन है, जो ये वाली लाइन है दिख रही है आपको जिसमें ए वी पॉइंट मार्क है, देखो ये दो लाइन से क्या हो रही है? कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे एक बार एक्स को और एक बार वाई को. तो मीन्स जो ये पी वक है वो क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है. इज ए क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? अब बेटा एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कितने एंगल्स की फॉर्मेशन करती है. व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस देन देयर आर मेक एट एंगल्स. जब बेटा वो दो लाइन को कट करती है तो एट एंगल्स बना देती है. देखो सी हियर, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, सेम एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट. जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है कितने एंगल्स की फॉर्मेशन करती है बेटा? इसे एट की. जब ये टू लाइंस को कट करती है तो इसमें कितने एंगल की फॉर्मेशन हो जाती है? एट एंगल्स. अब बेटा मैं आपको फिगर की हेल्प से क्लियर करूँगी. सी है, देखो ये एंगल वन है बेटा, ये एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट. बीस एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो लाइन को कट करती है तो बेटा वो क्या बन जाते हैं? कितने एंगल की फॉर्मेशन करती है बेटा? एट एंगल्स की. इज ए क्लियर स्टूडेंट?